प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज हम बीए सेकंड ईयर हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में रीतिकाल के विशिष्ट कवि देव की जो महत्वपूर्ण पद हमारे पाठ्यपुस्तक में संकलित किए गए हैं, उनकी सप्रसंग व्याख्या समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमने देव का प्रारंभिक परिचय और उनकी रचना कौशल के बारे में कुछ अध्ययन किया था और साथ ही एक व्याख्या भी हमने उसकी देख ली थी। आज जो व्याख्या हम प्रस्तुत कर रहे हैं यह भी परीक्षा उपयोगी है तथा बहुत बार इस व्याख्या का प्रश्न के रूप में हमारे प्रश्न पत्र में मिलना देखा जाता है। तो प्रस्तुत है यह पद्य कि कोई कहो कुलटा कुलीन अकुलीन कहो, कोई कहो रंकिनी कलंकिनी कुनारी हो, कैसे परलोक नरलोक बरलोकन में लीनो मैं अलोक लोक लोकन ते न्यारी हो, तन जाही मन जाही देव गुरजन जाही, जीव क्यों न जाही टेक टरत न टारी हों, वृंदावन वारी बनवारी के मुकुटवारी पीत पटवारी वाही मूर्ति पे वारी हों। बहुत सुंदर पद है जिसमें देव ने अपनी भक्ति भावना को प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है। देव जो कि एक स्वयं को एक नायिका के रूप में प्रस्तुत करते हैं, वे कहते हैं कि चाहे अब मुझे कोई कुलटा कहे या मुझे कोई कुलीन स्त्री बताए या अकुलीन कहे, अर्थात निम्न परिवार की निम्न स्तर के परिवार की कहे या उच्च कुल के घराने की कहे, मुझे इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई कहो रंकिनी कलंकिनी कुनारी हो, भले ही कोई मुझे रंकिनी कहे, कोई दाग युक्त कलंकिनी कहे या कुनारी ही क्यों न कहे, कैसे परलोक नरलोक बरलोकन में लीन्यो मैं अलोक लोक लोकन ते न्यारी हूँ। कवि देव कहते हैं कि इस तीनों ही लोकों से परे मैंने आध्यात्म का श्री कृष्ण अनुराग का एक अलग ही लोक विकसित अपने मन में कर लिया है। अब मुझे इन छिछले जुमलों से और उलहनों से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कवि देव कहते हैं कि तन जाही मन जाही, कि अब भले ही मेरा चाहिए तन चला जाए या मेरा मन चला जाए या फिर देव गुरुजन जाही, मेरे स्वयं देवता मुझसे रुष्ट हो जाएं, गुरुजन रुष्ट हो जाएं, चले जाएं, जीव क्यों न जाहि, और अब तो हालात यह है कि मैं अपने आराध्य की भक्ति में इतनी निमग्न हो गई हूँ कि अब भले ही मेरे प्राण ही क्यों न चले जाएं, टरत न टारी हूँ, अब मुझे उस भक्ति मार्ग से, उस प्रियतम के स्नेह के मार्ग से कोई भी विचलित नहीं कर सकता, कि अब मैं वृंदावन वारी बनवारी के मुकुटवारी, कि मैं उस वृंदावन में भ्रमण करने वाले वनवारी के मुकुट पर न्योछावर हो गई हूँ, उस श्री कृष्ण के पीत वस्त्रों में उस सलोनी मूर्ति के ऊपर मैं न्योछावर हो गई हूँ, और अब मुझे इन सामाजिक उलहानों से सामाजिक व्यंग्योक्तियों से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। प्रस्तुत पद देव की आध्यात्मिक भावना एक निष्ठ कृष्ण प्रेम को अभिव्यक्त करता है, जिसमें एक तरफ तो पूरी व्याकुलता है, एक निष्ठता है और भावुकता भी नजर आती है। वहीं दूसरी ओर यदि हम इस पद की कलात्मक समीक्षा करें तो यह पद रीतिकाल के
अन्य कवियों के श्रृंगारिक पदों की तुलना में आध्यात्मिक भाव से ओतप्रोत तो है ही, तथापि इसकी भाषा जो है वो सुमधुर है। ब्रज भाषा का जो लालित्य है वह इसमें परिलक्षित होता है। मुख्यतः इसमें अनुप्रास अलंकार देखने में आया है, साथ ही इसकी जो गति यति है वह भी भाव के अनुरूप है, अतः यह एक श्रेष्ठ पद बन पड़ा है।